पूर्वी दिल्ली में अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए त्रिलोकपुरी के रहने वाले ऑटो चालक धर्मेंद्र सिंह ने अपनी ऑटो बेचकर दोनापत्तल की मशीन खरीद ली। मशीन खरीदने के लिए धर्मेंद्र को कर्ज भी लेना पड़ा क्योंकि ऑटो बेचने से उसे 1 लाख मिला, जबकि मशीन की कीमत 1,83,000 थी, जिसके लिए उसने बाकी के पैसे लोन ले लिए। लेकिन जब मशीन आई तो वह खराब निकली। धर्मेंद्र ने जिससे मशीन खरीदी थी उसने मशीन वापस करने से इनकार कर दिया। परेशान धर्मेंद्र ने पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। आखिर उसकी पत्नी प्रतिमा हिम्मत हार गई और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मैंने ब्याज पे पैसे लेके कुछ काम स्टार्ट करा था, जिसमें मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उस आदमी का नाम महेंद्र गुप्ता है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसने मेरे साथ नहीं और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। उसके वजह से मैं 7-8 लाख रुपए कर्जे में हो रही हूँ इस टाइम। जब मुझे पैसे वापस करने हैं, मेरे पास पैसे है नहीं। मेरे पति के पास काम नहीं था, तो मैंने मार्च में ऑटो ख़रीदा था हमने 1 लाख रुपए देखे, जिसकी किस्त हर महीने 15,000 रुपये जानी थी। लॉकडाउन की वजह से हम दे नहीं पाए, तो ऑटो भी हमसे ले लिया था। तो मैं इन दोनों के वजह से बहुत परेशान हुई हूँ। एक महेंद्र गुप्ता और जिससे हमने गाड़ी ऑटो ख़रीदा था वो आदमी, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने मरने का फैसला किया है, जीते जी तो किसी ने सुनी नहीं, शायद मरने के बाद कोई सुन ले मेरी। महेंद्र गुप्ता को छोड़ना मत। धर्मेंद्र ने बताया कि महेंद्र गुप्ता नाम के शख्स ने उसे 1,38,000 में दोनापत्तल की मशीन यह कहकर दी थी कि वह उसे कच्चा माल देगा और मशीन से बना हुआ सामान वह खरीदेगा। इसके लिए उसने अपनी ऑटो बेच दी और पैसा कम पड़ा तो उसने बाकी पैसा लोन ले लिया और जब मशीन लेकर घर पहुंचा तो मशीन खराब निकली। इस बात की शिकायत जब महेंद्र गुप्ता से की तो उसने मशीन वापस लेने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र ने महेंद्र को गरीबी का हवाला दिया, लेकिन इसके बावजूद महेंद्र का दिल नहीं पसीजा। वजह सिर्फ एक ही है जी, महेंद्र गुप्ता से मैंने मशीन खरीदी थी दोनापत्तल की। उस बंदे ने मेरे को बोला था कच्चा माल मैं दूंगा, आप मेरे को पका के देना, 1,000 पीस पे 180 रुपये मिलेंगे। आपकी मशीन पर डे 2 से 2,500 रुपये का काम करके देगी। मैंने बैंक में बात करी, बैंक वाले ठीक है जी अप्रूवल हो जाएगा आपका लोन, आप मेरे को 25% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। मैं ऑटो चलाता हूँ, मैंने अपना ऑटो बेच के बैंक में 100% पूरा 1 लाख रुपये जमा करा। बैंक ने मेरे को 1,43,000 का लोन दिया, जिसमें 1 लाख रुपये मैंने बैंक में जमा करा। बैंक वालों ने क्या करा, 45,000 की FD बना दी, 40,000 रुपये फाइनेंस कर दिए, 1,83,000 की DD बना के प्रतिमा सिंह के नाम से दे दी, मेरी वाइफ के नाम से। वो DD ले जाके मैंने बैंक उसको दे दी महेंद्र गुप्ता को। महेंद्र गुप्ता ने मशीन दी ख़राब, वो मशीन चली नहीं। उसके ऑफिस में गया, मैंने बोला भाई देख मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को बच्चे पालने, किराया का मकान है, सारा कुछ है। जब तू मशीन नहीं ठीक दे सकता, चालू नहीं दे सकता, तो अपनी मशीन उठा ले, मेरा पैसा लौटा दे, जो नुकसान हुआ मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अगला कहता है ना तो मैं मशीन उठाऊंगा ना पैसा लौटाऊंगा, जो तू मेरा कर सकता कर ले। वही गर्जे के कारण अपना आत्महत्या सुसाइड कर लिया उसने। तो बस ठीक है, आपकी बेटी क्या है? बस अभी तो ICU में है, अब बाहर आएंगे, मशीन सब लगी हुई है, उसके पीछे भी बोल नहीं पा रही है वो। तो क्यों सुसाइड क्यों की आपकी बेटी ने? वही कर्जे की वजह से। क्या चीज कर्जा था उनको? वही मशीन पता नहीं क्या लिया इन लोगों ने, उसी की वजह से हुआ सब। परेशान धर्मेंद्र ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्यवाही के बजाय पुलिस ने कोर्ट जाने की सलाह देकर अपना काम खत्म कर लिया। धर्मेंद्र कोर्ट भी गया, लेकिन वहां से लगातार उसे सिर्फ तारीखें मिल रही है। धर्मेंद्र ने बताया कि कर्ज से परेशान उसकी पत्नी टूट गई है और उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।